Study, तो आप स्वागत है भाई जल्दी से ही से जाएगा। साथ ही इस सेशन को बाकी स्टूडेंट्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा सके ठीक है तो आज के अपने सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं कुछ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि भाई आप लोगों के सी के एग्जाम में जो कि है यहाँ पर आप लोगों के रिपीटेड रहे हैं वैसे तो जहाँ तक कि अभी एनालिसिस देखा गया है तो आप लोगों के सी पेपर में अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर्स का काफी अच्छा रेशो आप लोगों का पूछा जा रहा है ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों ने जो पढ़ा है उन सभी चीजों से बाहर चीजें जा रही हैं ऐसा नहीं है बट हाँ ये है कि आप सभी करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कवर करें साथ ही आपके जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आप लोगों ने होप्स हो कि बहुत अच्छे से कवर किए हुए हो ठीक है चलिए बाकी भाई कल सैटरडे है कल से अपनी 5 पीएम क्लास रहेगी एमटीएस की कल से अपनी जो की क्लास है यह है एमटीएस की 5 पीएम रहेगी तो कल मैं आप लोगों के साथ एक तो सुबह 11:00 बजे वाली अपनी क्लास रहेगी साथ ही शाम को 5 पीएम भाई हम लोग यहां पर क्लास को करेंगे ठीक है तो कल आप सभी शाम को 5:00 बजे सेशन से जुड़ जाइएगा ठीक है चलिए अब यहां पर जल्दी से आज के क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं देखिए इंटीअ आर्ट एंड कल्चर आप लोगों के आर्ट एंड के उपर, कल्चर के ऊपर कल्चर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं चाहे सी की बात कर लीजिए या एम की बात कर लीजिए या फिर सी की बात कर लीजिए या सी की बात कर लीजिए या फिर आप स्टैनओ की बात कर लीजिए तो आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं अब आंसर करें फटाफट से क्या हमारा क्वेश्चन में आंसर अपना जाएगा चलिए हेज गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग भाई तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक रंगमंच अपने संबंधित राज्य के साथ गलत सुमेलित तो है एक तरफ आप लोगों को कुछ यहां पर कुछ डांस फॉर्म के नाम दिए गए हैं और उनके सामने जिन राज्यों में यह होते हैं उनके नाम आपको दिए गए हैं चलिए सभी इसमें आंसर करके बताएंगे कि कौन सा इसमें यहां पर गलत है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा देखते हैं यदि हम नोटंकी की बात कर लेते हैं तो यह है उत्तर प्रदेश से संबंधित है बिल्कुल सही है तमाशा की बात कर लेते हैं तो भाई यह है आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है बिल्कुल सही है बट यदि हम भवाई की बात कर लेते हैं तो यह है कहाँ पर होता है यह होता है गुजरात राज्य में क्या हो जाएगा यह गुजरात में होता है ना कि यह आपका संबंधित है राजस्थान से बाकी यक्षगान की यदि हम बात कर लेते हैं तो यह है आपका कर्नाटक राज्य से यहाँ पर संबंधित है ठीक है तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन जो कि यहाँ पर दिया गया है यह है आप लोगों का यहाँ पर गलत है ठीक है अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा बताएंगे आप सभी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है ये आप लोगों को बताना है आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा इनमें से कौन सा राज्य है जो कि हर वर्ष हॉर्नबिल त्योहार को मनाता है और हॉर्नबिल त्योहार जो कि है इसका आयोजन दिसंबर में किया जाता है यानी कि ईयर के लास्ट में इसका आयोजन किया जाता है और यह कौन सा राज्य है भाई यह है, है नागालैंड राज्य साथ ही यदि इसके स्टेट बर्ड की बात कर लेते हैं स्टेट बर्ड इसका स्टेट बर्ड भी क्या है यह है भी हॉर्न बिल है इसका स्टेट बर्ड जो कि केरल राज्य का भी यह स्टेट बर्ड है हॉर्न बिल ठीक है याद रखेंगे अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई आंसर करेंगे सभी यहाँ पे क्या आप लोगों का आंसर जाएगा चलिए कि राज्यसभा की सदस्यता अपनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए वाट शोल्ड बी मिनिमम एज टू गैट मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा जी बिल्कुल चलिए आंसर करेंगे सभी क्या आंसर आपका यहाँ पे रहेगा देखो राज्यसभा की यदि हम फॉर्मेशन की बात करें फॉर्मेशन की बात करें तो इसका जो कि फॉर्मेशन है यह अप्रैल 1952 में हुआ है ठीक है यहाँ पर यदि हम मैक्सिमम सीट्स की बात कर लेते हैं तो कितनी है यहाँ पर 250 इसमें यानी कि 250 इसमें मैक्सिमम सीट है जिसमें कि 238 मेंबर्स जो कि है यह स्टेट से आते हैं स्टेट प्लस यूनियन टैडी से आते हैं बाकी के ट्वेल्व है यह राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेट यानी कि मनोनीत किए जाते हैं जो कि किस फील्ड से होते हैं जो कि सोशल वर्क साइंस आर्ट एंड लिटरेचर से यह संबंधित यहाँ पर होते हैं ठीक है इसके साथ ही यदि हम राज्यसभा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक सभापति होते हैं ठीक है सभापति होते हैं जो कि देश के वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं देश के वाइस प्रेसिडेंट भी यह है, होते हैं जो कि वर्तमान समय में जगदीप धनखड़ है और यदि किसी व्यक्ति को राज्य सभा का सदस्य बनना है तो उसकी उम्र मिनिमम थर्टी इयर्स की होनी चाहिए जो मेंबर्स यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं जो मेंबर्स होते हैं वह यहाँ पर सिक्स इयर्स के लिए यानी कि छह वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता कोई भी टेन्योर नहीं होता है इसीलिए राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता यानी कि भंग नहीं किया जा सकता बल्कि इसके जो मेंबर होते हैं यह एवरी टू ईयर में यानी कि प्रत्येक दो वर्ष में यहाँ के वन बाय थर्ड थर्ड सदस्य जो कि हैं यह अपने पद से यहाँ पर रिटायर्ड होते रहते हैं यानी कि क्या होते रहते हैं सेवानिवृत्त होते रहते हैं याद रखेंगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं भाई सभी आंसर करेंगे द नेक्स्ट है क्या यहाँ पे आपका आंसर जाएगा द नेक्स्ट है कि परिषद पूछता कामसूत्र किसने लिखी है यह आप लोगों को बताना है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा चलिए जी बिल्कुल राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता एसएससी अगर आपकी थ्योरी वीक है मतलब आपको चीजें नहीं पता है जैसे कि अकबर कौन था मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं हिस्ट्री से रिलेटेड हुई पॉलिटी से रिलेटेड हुई तो सबसे पहले आपको अपनी थियोरी कंप्लीट करनी चाहिए देन उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन करने चाहिए चलिए दे नेक्स्ट जल्दी से बताएंगे सभी के सभी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बिल्कुल सही बात है यदि हम इसकी बात कर लेते हैं तो भाई यह है वात्स्ययन की रचना है ठीक है याद रखेंगे अगले क्वेश्चन पर पढ़ चलते हैं सभी आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर है नेक्स्ट है कि लेपाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए चलिए लेपाक्षी यदि मंदिर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा फटाफट से सभी बताएंगे आंसर करके भाई क्या हमारा आंसर जो कि है यह है अपना जाएगा आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा चलिए बताएंगे चलिए क्या हो जाएगा अपना आंसर बताएंगे आप सभी क्या हमारा जो कि आंसर है यह है, अपना यहाँ पे जाएगा चलिए चलिए बिल्कुल सही है इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यह है कर्नाटक सॉरी आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है जो कि कर्नाटक राज्य से यह अपनी सीमा को बनाता है तो यह कर्नाटक राज्य की सीमा को भी छूता है बट है पूरी तरह से आंध्र प्रदेश राज्य में इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं तो सिक्सटीन सेंचुरी यानी कि आपका सोलहवीं शताब्दी के दौरान इसके कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है लेपाक्षी मंदिर और यह भगवान शिव जी को समर्पित है यानी कि लॉर्ड शिवा को इनका जो कि अवतार है कौन सा अवतार भगवान शिव जी का जो कि वीरभद्र अवतार है इनका इस अवतार को समर्पित है यह मंदिर लेपाक्षी ठीक है याद रखिएगा क्लियर है क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश में यह हिंदू धर्म को समर्पित मंदिर यहां पर बना हुआ है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बताएंगे सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित किन निम्नलिखित किन र, आ, किस राज्य में पांच खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का उद्घाटन किया था बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा फटाफट से चलिए आंसर करेंगे भाई सभी के सभी क्या आपका आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा चलिए कौन से यह राज्य है जहां पर कि भाई स्टार्ट किया गया था ये आप लोगों को बताना है फटाफट से इनमें से यह कौन कौन से राज्य जो कि है यहाँ पर रहे हैं फटाफट से असम है गुजरात है असम राज्य है गुजरात राज्य है यहाँ पर और आपका कर्नाटक राज्य है बताएंगे सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या है जो कि हमारा आंसर यहाँ पे अपना जाएगा फटाफट से चलिए चलिए बिल्कुल सही है बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो गुजरात में है कर्नाटक में है इन तीन राज्यों के मिलाकर के पांच शहरों में जो की है यह यहाँ पर स्टार्ट किया गया था तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये यह सभी के सभी जो की है यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा यानी कि डी ऑप्शन इन सभी जगह पर जो की है भारत में फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था नेक्स्ट है कि टेबल टेनिस से संबंधित अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय जो कि है यह है कौन सा है आंसर कीजिएगा एक तरह से जो कि भाई इसको यहां पर लीड करता है ये है आप लोगों को बताना है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए चलिए बिल्कुल सही है क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन यहां पर क्या है आईटी आई यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन यह एक यानी कि गवर्निंग बॉडी है जिसके द्वारा की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है इसके फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं तो 1926 में इसका फॉर्मेशन किया गया था एंड इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो स्विट्जरलैंड का जो कि शहर है लुसाने यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है यह स्विट्जरलैंड देश का एक शहर है जहां पर कि भाई इसका हेड क्वार्टर है ठीक है याद रखेंगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं सभी आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य जो की है वह नहीं है आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा चलिए क्या आपका आंसर जो की है यहाँ पे रहेगा फटाफट से यह इनमें से कौन सा है जो कि संबंधित नहीं है भारत के क्लासिकल डांस फॉर्म में तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से मणिपुरी मणिपुर से ओडिशी ओडिशा से लेकिन बुगाको की बात कर लेते हैं जो कि जनरली नेपाली के द्वारा यहाँ पर किया जाता है यह नेपाल में किया जाने वाला एक फोक डांस है याद रखिएगा और भारत के क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करते हैं तो आठ तो है हमारे यहाँ पे क्लासिकल डांस फॉर्म साथ ही एक है सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म क्या हो जाएगा एक है सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म यह है भारत के कुछ क्लासिकल डांस फॉर्म में यहाँ पर आपके आते हैं ठीक है ठीके? तो क्या हो जाएगा भाई थर्ड ऑप्शन जो की है यह है हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा द नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को दी डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है यह है आपको बताना है आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा द डार्क कॉन्टिनेंट यानी कि एक तरह से जिसे कि अंध महाद्वीप कहा जाता है तो बताइए क्या हो जाएगा वंदना शो बातें कर रहे हो आप लोग अंशु के बिल्कुल सही है क्या हो जाएगा यहाँ पे अफ्रीका अफ्रीका की पिछड़ी हुई अफ्रीका की पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की वजह से पिछड़ी हुई इसकी अर्थ व्यवस्था यानी कि इकोनॉमी की, की वजह से क्या हो जाएगा इसकी पिछड़ी हुई इकोनॉमी की वजह से इसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है ठीक है याद रखिएगा क्या हो जाएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट नेक्स्ट है यहाँ पे आंसर कीजिएगा आप सभी बताएंगे निम्न में से कौन हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया के लेखक है बताइए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा भाई यहां पे फटाफट से कौन यहां पर इसके लेखक के रूप में जाने जाते हैं ये आप लोगों को बताना है चलिए बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पे शशि थरूर शशि थरूर की बात कर लेते हैं यह है एक राजनेता यानी कि यह एक पॉलिटिशियन भी है इसके साथ ही यह एक लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं शशि थरूर ठीक है क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो कि है यह हमारा आंसर यहाँ पे नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन में क्या जाएगा कि भाई ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है आंसर कीजिएगा ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो एक बार पहले भी मैंने कराया था ग्रीन लैंड की बात कर लेते हैं सो भाई ये है लार्जेस्ट आइलैंड इन वर्ल्ड इन वर्ल्ड यानी कि यह विश्व में सबसे बड़े आइलैंड के लिए यहाँ पर जाना जाता है जो कि इसकी अगर बात करें तो यह हिस्सा यानी कि अगर हम पार्ट की बात करें कि यह किसका हिस्सा रहा है किसका हिस्सा यह है रहा है तो यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा रहा है और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ए ऑप्शन चूज करना पड़ेगा बट यहाँ के यदि दी हम एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक यदि यहाँ के हम प्रशासनिक अधिकार की बात कर लेते हैं तो इसके ऊपर प्रशासनिक अधिकार जो की है यह डेनमार्क का है किसका है डेनमार्क का इसके ऊपर प्रशासनिक अधिकार है ये याद रखिएगा ठीक है चलिए भारत में आपका अंडमान निकोबार है अंडमान निकोबार ठीक है भारत के सिर्फ दो ही हैं लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड का मतलब होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हो और भारत में यदि हम लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है सिर्फ 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ही फैला हुआ है तो क्या हो जाएगा अंडमान निकोबार रहेगा भारत का निम्नलिखित में से कौन दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है तो क्या हो जाएगा देखो रात घाटी की बात कर लेते हैं सो यह है भारत के कोल्डेस्ट प्लेस के रूप में यहाँ पर जाना जाता है यानी कि सबसे ठंडी जगह सबसे ठंडी जगह यह है भारत में याद रखिए ठीक है जो कि कहां पर पड़ता है यह है? सियाचीन में स्थित है मोहसिन राम की बात कर लेते हैं यहां पर लगभग आ, कुछ ग्यारह सेंटीमीटर के करीब यहाँ पर औसत यानी कि एवरेज वर्षा का अनुमान है यहाँ पर एवरेज रेन का अनुमान है जिसके साथ ही यह है भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पर होती है और यह कहाँ पर है सुबह यह है मेघालय राज्य में है ठीक है चेरापूंजी में दूसरे नंबर पर भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है जो कि आपका कहाँ पर है यह भी मेघालय राज्य में है चेरा पूंजी चलिए क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड जो कि है यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा उजाला योजना में जे का क्या अर्थ है बताइए उजाला एक योजना जो कि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर चलाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कि है यह यहाँ पर चलाई गई थी आपको बताना है कि इसमें जे का क्या अर्थ है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा बताएंगे सभी क्या रहेगा भाई यहाँ पे उजाला स्कीम की बात कर लेते हैं तो क्या यहाँ पे आपका आंसर जो की है रहेगा फटाफट से चलिए बताएंगे सभी क्या हो जाएगा उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल बिल्कुल यहाँ पे देखिएगा उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल अफोर्डेबल एलईडीज क्या हो जाएगा एल यानी कि इसकी अगर बात कर लेते हैं एल फॉर ऑल ऑल भी है इट मीन्स कि यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस के साथ में यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी देते हुए लोगों को कम प्राइस पर एल बल्ब जो कि है यहाँ पर दिए गए थे इस स्कीम के तहत में ताकि ऊर्जा खपत को कम किया जा सके ठीक है तो यहाँ पर जे का अर्थ आपका क्या हो जाएगा ज्योति ज्योति जानते हैं ना इट मीन्स लाइट ठीक है क्या हो जाएगा इट मीनस यहाँ पर लाइट होता है और इसकी बात की जाए तो इसे एक मई 2015 में शुरू किया गया था इस योजना को एक मई 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था इससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगा रही हूं आंसर करेंगे सभी तो क्वेश्चन है भाई हमारा यहाँ पर कि किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर ग्रेट बियर और सप्तऋषि तो भी हैं बताइए इनमें से वह कौन सा तारामंडल तारामंडल यानी कि एक तरह से ग्रुप ऑफ स्टार है जिसे कि बिग डीपर के नाम से ग्रेट बियर के नाम से और सप्तऋषि तो के नाम से भी जाना जाता है आंसर कीजिएगा चलिए ओके okay, चलिए आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं तो किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है इन्हें ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है याद रखिएगा क्या हो जाएगा भाई थर्ड ऑप्शन जो कि है यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा जो कि सावन स्टार्स का यह है ग्रुप है सेवन स्टार्स का यह है, ग्रुप है याद रखिएगा और इन्हें ऋषि यानी कि एक तरह से सात ऋषि के मंडल मंडल होता है ना ग्रुप को बोलते हैं कि मंडली है इनकी तो अपनी तो यह ग्रुप को यहाँ पर कहा जाता है क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं आंसर कीजिएगा आप सभी क्या हो जाएगा बताएंगे तो क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेट मैदान ने भारत में पहले टेस्ट मैच की मेजबानी की थी बताइए पहला जो कि टेस्ट मैच था यह है भारत और इंग्लैंड के बीच में यहां पर खेला गया था जिसमें की जीत इंग्लैंड की हुई थी और यह कहां पर खेला गया था बताइए जरा यह कहाँ पर खेला गया था आप जरा आंसर कीजिएगा मुझे जरा किसी को लॉक करना है चलिए आंसर करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी बताएंगे आंसर कीजिएगा हाइएस्ट नहीं होता है क्यूट लार्जेस्ट होता है एंड लार्जेस्ट आईलैंड इन दी वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा सो so यह है बॉम्बे का जिम खाना इस्टेडियम क्या हो जाएगा बॉम्बे का जिम खाना इस्टेडियम है याद रखिएगा इडन गार्डन की बात कर लेते हैं तो यह है भारत की ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट स्टेडियम के लिए यहाँ पर जाना जाता है जो कि 1864 में इसे स्टेब्लिश किया गया था और यह भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी क्रिकेट दूसरी नहीं तीसरे नंबर की सबसे बड़ी क्रिकेट की स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की बात कर लेते हैं इसे अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है जो कि दिल्ली में है द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था बताइए आंसर कीजिएगा जय जवान जय किसान का जो कि भाई यहाँ पर नारा था यह किसने दिया था आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा किसने दिया था तो भाई 1965 में इन्होंने एक सम्मेलन में अपने जवानों को और किसानों को संबोधित करते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया था हमारे उस समय के रहे यानी कि फॉर्मर रहे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ठीक है याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो की है यह है अपना आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा नेक्स्ट है कि मेला का एक अयस्क है मेला की बात कर लेते हैं तो भाई यह निम्न में से किसका एक अयस्क है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा चलिए बताएंगे बताएंगे आप सभी क्या हो जाएगा किसका यह है एक अयस्क है यह है आप लोगों को यहाँ पे बताना है तो याद रखिएगा कि यह है कॉपर का एक अयस्क है यानी कि क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन जो की है यह हमारा यहाँ पे सही आंसर आपका जाएगा The next है कि भाई ट्विडल डैश जुड़ा हुआ शब्द है ट्विडल की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह है किस से जुड़ा हुआ एक शब्द है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा ट्विडल ट्विडल की बात करते हैं किस से जुड़ा हुआ यह है? शब्द है बताएंगे सभी के सभी चलिए चलिए, चलिएल so, की बात कर लेते हैं टूडल इट मींस यहाँ पर जो कि रैकेट होता है हाथ में जो कि यहाँ पर टेबल टेनिस के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है इसे सर के पीछे की ओर ले जाने की टेक्निक जो कि है यह है टुडल होती है एक तरह से हैंड से किसी चीज को पीछे ले जाना ठीक है तो क्या हो जाएगा कि भाई यह आप लोगों का टेबल टेनिस में यूज किया जाता है यह शब्द नेक्स्ट है हमारा कि भाई भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ डैश है क्या है बताइए भूमध्य सागर का जो कि प्रकाश स्तंभ है यह है क्या है लाइट हाउस ऑफ सी आंसर करेंगे क्या हो जाएगा द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी के नाम से किसको जाना जाता है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा चलिए बिल्कुल किसे जाना जाता है स्ट्रोम्बोली और स्ट्रोम्बोली क्या है यह है एक वोल्केनो है क्या हो जाएगा यह एक वोल्केनो है जो कि एक्टिव वोल्केनो है है ना और इसके ही लावा बाहर निकलने की वजह से जो कि पानी है मेडिटेरेनियन सी का इसमें अक्सर लाइट दिखाई पड़ती है ठीक है इसीलिए इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है ठीक है याद रखेंगे अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं द नेक्स्ट आंसर करेंगे सभी प्रसिद्ध खिलाड़ी खाशाबा जाधव किस खेल से संबंधित है आंसर कीजिए भाई यह किस खेल से संबंधित है यह आप लोगों को बताना है अंशु के आदित्य के चलिए बताएंगे आप सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा चलिए भी आंसर करेंगे सभी देखो खाशाबा जाधव की बात कर लेते हैं तो इन्होंने ओलंपिक खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया हुआ है जो कि 1952 में जब ओलंपिक खेलों का जो कि आयोजन है यह है हेल सिंकी, जो कि फिनलैंड की कैपिटल है यह है फिनलैंड देश की कैपिटल है यहां पर जब इनका आयोजन किया गया था तो इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था जो कि भारत का सबसे पहला इंडिविजुअल इंडिविजुअल यह है मेडल था यानी कि व्यक्तिगत तौर पर जीता गया सबसे पहला पदक था और यह एक रेसलर के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं यानी कि यह कुश्ती से संबंधित है याद रखिएगा। यह सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने कि ओलंपिक खेलों में भारत के लिए गोल्ड मेडल सॉरी गोल्ड नहीं ब्रोंज मेडल जीता था व्यक्तिगत तौर पर यानी कि अकेले क्या हो जाएगा अकेले बल पर जो कि इन्होंने जीता था है हमारा निम्न में से कौन 1916 में प्रारंभ हुए इंडियन होम रूल लीग से नहीं जुड़े हुए थे यह आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए कौन इनमें से इंडियन होम रूल लीग से यहाँ पर नहीं जुड़े हुए थे यह आप लोगों को बताना है फटाफट से सभी के सभी आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए बताएंगे सभी क्या आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा तो कौन जुड़े हुए नहीं थे इससे सो so, यह थे लाला लाजपत रॉय यदि हम भारत की बात करें तो भारत में होम रूल लीग के कॉन्सेप्ट को लेकर आई थी आयरिश महिला एनी बेसेंट और इन्होंने मिलकर 1915 से 1916 के बीच में भारत में होम रूल लीग को शुरू किया था जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक ने पुणे से पुणे होम रूल लीग की शुरुआत की थी पुणे होम रूल लीग की इन्होंने शुरुआत की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास में रूल लीग की शुरुआत की थी और यह 1916 के समय पर इन्होंने शुरू किया था ठीक है तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे आपसे पूछा था जो जुड़े हुए नहीं थे यह थे लाला लाजपत राय यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर सही था नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी के छत्ते के रख रक रखाव को डैश के नाम से जाना जाता है बताएंगे मधुमक्खी के रख रखाव के छत्ते को किस नाम से जाना जाता है आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा चलिए क्या आपका आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा यह आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए क्या भी आपका आंसर जो की है यहाँ पे रहेगा फटाफट से बताएंगे चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल एपीकल्चर क्या हो जाएगा यहाँ पे एपीकल्चर जो कि है यह मधुमक्खी के रखरखाव से संबंधित है इसके साथ ही बर्ड्स यानी कि जो कि पक्षी हैं पक्षी पालन को पक्षी पालन को कहा जाता है अविकल्चर हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं तो वेजिटेबल्स हुए फ्लावर्स हुए इन सभी की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है यानी कि बागवानी और एग्रीकल्चर आप सभी जानते ही हैं कृषि से संबंधित है एग्रीकल्चर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं आंसर करेंगे सभी क्या रहेगा तो क्वेश्चन है यहां पर कि भाई शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी ये आप लोगों को बताना है आंसर कीजिएगा अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर कौन है महिला ग्रैंड मास्टर कौन है आपका आंसर हो जाएगा कोनेरु हम्पी कोने हम्पी यहाँ पे रहेगा आपका आंसर सबसे कम उम्र की और अगर सबसे पहले की बात की जाए तो कौन है यह है एस विजय लक्ष्मी क्या हो जाएगा कौन है यह है एस विजय लक्ष्मी ठीक है और ग्रैंड मास्टर के ऊपर पूछे जाते हैं हाल ही में कौन से नंबर की रही जैसे कि सी के पेपर में सेवेंटी नंबर के पूछा गया था कि सेवनटी नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं तो स्पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शतरंज के ऊपर भी एस का पूरा नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा एसटीएमल की जो कि फुल फॉर्म है ये है क्या है बताइए एस की जो कि फुल फॉर्म है भाई ये है क्या है आंसर कीजिएगा चलिए तो एसटीएमल की बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि आप लोगों को बी ऑप्शन में यहां पर दिया गया है और मैं आप लोगों को कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स के बारे में करा चुकी हूँ करा चुकी हूँ तो आप सभी फुल फॉर्म से रिलेटेड वो सेशन देख लीजिएगा जिसमें कि मैंने आपको फुल फॉर्म कराई थी ठीक है चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए इन सभी में अगर मैं बात करूं तो भाई एक किलोमीटर की कोस्टल लाइन के साथ में वेस्ट बंगाल जो की है कंपेयर टू बाकी राज्य की इसके छोटी तटीय सीमा है ठीक है याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए कि सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है तटीय सीमा यानी कि कोस्टल लाइन स्मोलेस्ट कोस्टल लाइन जो की है यह किस स्टेट की है यह आप लोगों को बताना है आंसर कीजिएगा भारत में सबसे छोटी जो की कोस्टल लाइन है यह किसकी है, किस की है? आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा चलिए सबसे छोटी कोस्टल लाइन किस राज्य की है किसकी है गोवा राज्य की बिल्कुल गोवा राज्य की है जो कि 101 किलोमीटर की तटीय सीमा है गोवा राज्य की और सबसे लंबी गुजरात राज्य की है क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं आप सभी क्या रहेगा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की अवधि अधिकतम कितनी है ये बताइए अवधि इट मीन्स कि कितने टाइम के लिए है खेले जा सकते हैं द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बताएंगे सिक्सटीन थर्टी फोर्टी फाइव की ट्वेंटी वन आंसर करेंगे जी बताइएगा सभी क्या हो जाएगा और क्लास को भी सभी लाइक कर दीजिएगा यहाँ पे चलिए आंसर करेंगे भाई सभी क्या हो जाएगा हमारा आंसर बताइए बिल्कुल सही बात है क्या हो जाएगा सिक्सटीन डेज के लिए यह खेले जाते हैं और इसके साथ ही यदि हम मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बात कर लेते हैं तो इनकी शुरुआत 1896 में हुई थी जो कि सबसे पहली बार ग्रीन्स की कैपिटल एथेंस में खेले गए थे एंड यदि हम प्राचीन ओलंपिक खेलों की बात कर लेते हैं तो सात सौ छिहत्तर में इनका आयोजन किया गया था एथेंस में ही ठीक है चलिए दे नेक्स्ट आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पर आंसर कीजिएगा हर साल अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है है इंटरनेशनल लिटरेसी डे एवरी ईयर चलिए कब मनाया जाता है? हर वर्ष ये आप लोगों को बताना है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए बिल्कुल सही है क्या हो जाएगा आठ सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात कर लेते हैं तो भाई कब मनाया जाता है आठ सितंबर को चलिए ये क्वेश्चन मैंने कल भी आप लोगों को कराया था बट दूसरे शब्दों में है ना आंसर कीजिएगा एक्स की की खोज किसने थी बताइए एक्स किरणों की खोज किसने की थी और कब उन्हें अपनी एक्स किरणों की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था बताएंगे अपनी एक्स किरणों की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए बिल्कुल देख लेते हैं यहाँ पर कौन है यह है रोंट रोंड रोंटगन इनकी अगर बात कर लेते हैं तो इन्होंने एक्सकिणों की खोज की है और जिसके लिए इन्हें 1901 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था सबसे पहले व्यक्ति सभी जानते हैं 1901 में ही नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी ठीक है और सबसे पहला फिजिक्स में इनको ही दिया गया था ठीक है आंसर याद रखिएगा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं आंसर बताएंगे आप सभी क्या यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा कि भाई तालिबान तालिबान समूह ने अफगानिस्तान में अपनी कार्यवाहक सरकार की घोषणा की है तो आपको ये बताना है कि भाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो की है यह है यहाँ पर कौन बने हुए हैं आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा चलिए कौन यहाँ पर बने हुए हैं यह है आप लोगों को बताना है यहाँ के प्रधानमंत्री चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो पहले यहाँ पर बने हुए थे मुल्ला हसन अखंड प्रेजेंट टाइम की बात कर लेते हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो की है यहाँ पर बने हुए हैं कौन यह है अब्दुल काबिर अब्दुल काबिर अब्दुल काबिर जो की है यह है करंट टाइम में करंट टाइम में यहाँ के एज अ प्राइम मिनिस्टर है जो की एज एक्टिंग एक्टिंग यानी कि कार्यवाहक का प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बने हुए हैं ठीक है याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना करंट टाइम के अकॉर्डिंग ये आंसर अपना याद रखेगा अब्दुल काबिर नेक्स्ट है कि भाई जे एल जे एल बेयर जो कि है यह किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं आंसर कीजिएगा चलिए बताएंगे आंसर करके सभी क्या हो जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर वैसे आसान है याद रखिएगा टेलीविजन अच्छा ये बताइए टीवी और टेलीविजन डे जो की है यानी कि टीवी डे ये कब मनाया जाता है बताइए टेलीविजन दिवस किस दिन मनाया जाता है बताएंगे आंसर कीजिए क्या हो जाएगा चले स्मृति ओके विकास आंसर कीजिए सभी क्या हो जाएगा क्वेश्चन में बताइए टीवी डे जो कि है भाई यह है कब मनाया जाता है बताएंगे आप सभी बिल्कुल इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई यह 21 नवंबर को यहाँ पर मनाया जाता है क्या हो जाएगा एक दिसंबर नहीं है आ, शो जो आप बता रहे हो ना 24 मार्च को यह टीबी डे मनाया जाता है यानी कि ट्यूबर क्लोसेस डे टीबी टीवी होता है टेलीविजन ट्यूबर क्लोसिस डे मनाया जाता है यह, यह है टीबी टीबी की बीमारी जो होता है ना कि अगर आपको एक हफ्ते तक खांसी रहती है तो इसमें फिर आपको ट्यूबर क्लोसिस के लक्षण आ जाते हैं तो वो वाला टीवी और यह है, वो देखने वाला टीवी है टेलीविजन ठीक है अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा चलिए ऑप्शो की अभी डिफरेंस आपको पता चल गया होगा ट्यूबर क्लॉसेस अलग है एंड टेलीविजन अलग है निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है बताइए किस देश में कालाहारी मरुस्थल जो की है ये है। भाई स्थित है? आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए बताएंगे सभी के सभी क्या आपका आंसर जो की है वह यहाँ पर रहेगा फटाफट से चलिए बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पे बोध्स वाना ठीक है यदि हम इसकी बात कर लेते हैं काराहारी तो है कहाँ पर है यह है अफ्रीका में क्या हो जाएगा अफ्रीका में है जो कि क्या हो जाएगा कि भाई यह बोध्स वाना में है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो देश के जो प्रधानमंत्री रहते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं यानी कि चेयरमैन और यहाँ पर यदि हम सुमन के बैरी की बात करें भाई यह कौन है यहाँ के उपाध्यक्ष हैं क्या हो जाएगा यहाँ के डिप्टी चेयरमैन है याद रखिएगा और बाकी प्लानिंग कमीशन की जगह पर एक जनवरी दो को नीति आयोग का फॉर्मेशन किया गया था चलिए अगले क्वेश्चन पर आंसर कीजिएगा क्या हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे फटाफट से बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पे यह रहेगा भूपेंद्र यादव क्या हो जाएगा भूपेंद्र यादव जो की है भाई यह है हमारा आंसर यहाँ पे अपना जाएगा द नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आंसर कीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है यहाँ पर एक तरफ कुछ आप लोगों को चित्रकारी के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर जिन राज्यों से संबंधित है वह बताएंगे कौन सा गलत है चलिए बिल्कुल सही है क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे देखो वारली की बात कर लेते हैं महाराष्ट्र तंजोर की बात कर लेते हैं तमिलनाडु यदि हम मिथिला चित्रकारी की बात कर लेते हैं तो यह किससे संबंधित है यह बिहार राज्य से संबंधित है ना कि यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है तो ये आप लोगों को गलत दिया गया है और झरना पता चित्रकला की बात कर लेते हैं यह आपका पश्चिम बंगाल से यहाँ पर संबंधित है चले द नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को डैश से जोड़ता है किससे जोड़ता है बताइए यह वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रेलवे के लिए जाना जाता है यानी कि लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन जो की है उसके जो कि कनेक्ट करता है स्टेशन को एक लंबी ट्रैक के साथ में लगभग नाइन थाउजेंड किलोमीटर की लंबाई है इसकी लगभग में याद रखना जो कि रशिया में है और यह रशिया के ट्रांस साइबेरियन को व्लादी वोस्तोक से जोड़ता है ठीक है ये क्वेश्चन मैं काफी बार करा चुकी हूँ क्लास में याद रखिएगा व्लादी वोस्तोक यह है वर्ल्ड में सबसे लंबे रेलवे ट्रैक के लिए भी जाना जाता है नौ हजार किलोमीटर की लंबाई है लगभग में याद है यहाँ पर बताएंगे आप सभी महमूद बेगड़ा ये वही महमूद बेगड़ा है जिसे कि बचपन से ही इसके खाने में थोड़ा-थोड़ा जहर दिया जाता था ताकि इसे कोई मार ना पाए ठीक है और अगर मच्छर भी उसे काटता था तो मच्छर भी बेहोश हो जाता था तो आंसर करेंगे कि महमूद बेगड़ा किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था आंसर करेंगे क्या हो जाएगा जी बिल्कुल धर्मवीर चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहां पे चलिए आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा तो कहाँ का शासक यह रहा है सुबह यह है गुजरात राज्य का शासक यहाँ पर रहा है ठीक है याद रखिएगा द नेक्स्ट है हमारा कि किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की बताइए आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे बताएंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा तो कौन सा यह है आयोग है यह है पी यह है आरएस एस सरकारिया आयोग ठीक है जो कि केंद्र और राज्य यानी कि सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन के लिए इसे यहाँ पर बनाया गया था नेक्स्ट है कि टैगोर हिल झारखंड के किस जिले में स्थित है बताएंगे आप सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा बताएंगे भाई सभी के सभी क्या आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा टैगोर हिल झारखंड के किस जिले में स्थित है यह आप लोगों को बताना है तो याद रखिएगा कि भाई यह झारखंड के रांची में यहां पर बने हुए हैं क्या हो जाएगा झारखंड के रांची में यह बने हुए हैं याद रखिएगा पंद्रह अगस्त नाइनटीन फोर्टी को आजादी के बाद गठित पहली कैबिनेट में डॉक्टर जॉन मेथे ने कौन सा पदभार यहां पर संभाला था यानी कि निम्न में से यह कौन से पदभार के सबसे पहले मंत्री यहां पर रहे हैं चलिए चलिए भाई बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही है इनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यह है भारत का इन्होंने सबसे पहला रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को संभाला था यह भारत के सबसे पहले रेलवे मंत्री यहाँ पर रहे हैं जॉन मेथई नेक्स्ट है कि भाई आपको बताना है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अप्रैल दो में भारत में तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है बताएंगे क्या हो जाएगा चलिए क्या आपका आंसर जो की है यहाँ पे यह है, रहेगा चलिए बताएंगे आंसर करके क्या हो जाएगा सभी के सभी चलिए भाई क्या रहेगा हमारा आंसर यह है, आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए क्या हो जाएगा सो यह है, रहेगा यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक है इसके साथ ही स्टेट बैंक एच बैंक जो की है यह भारत के सबसे बड़े बैंक के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं और तीसरे नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा जो की है यह भी भारत के सबसे बड़े बैंकों में शामिल हो गया रिले शब्द डैश से संबंधित है बताइए किस संबंधित है रिले बताएंगे थ्रोइंग रेस फेंसिंग या फिर लिफ्टिंग आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा बताइएगा सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो रिले शब्द जो की है भाई यह है किस से संबंधित है आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा यहां पे चलिए आंसर दीजिएगा भाई क्या हो जाएगा रिले की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस फील्ड पर यह है, दौड़ते हैं उसे रिले ही कहा जाता है ठीक है याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा कि भाई यह दौड़ से यहां पर संबंधित है नेक्स्ट है कि शुक्र का वायुमंडल यानी कि जो कि वीनस है इसका एटमोस्फेयर किस प्रकार के अम्ल से बना है बताइए जो कि इसे काफी गर्म यहाँ पर रखता है एंड यह है हॉटेस्ट प्लान इन अवर सोलर सिस्टम के लिए जाना जाता है हमारे सोलर सिस्टम का यह है, सबसे गर्म प्लान है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर बताएंगे तो कौन सा एसिड है जो कि भाई इसे यहाँ पर गर्म रखता है बताएंगे थी। याद रखेगा यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से जी क्या हो जाएगा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से जो कि है यहाँ पर यह एसिड इसमें पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से यह है, गर्म रहता है हमारा ने अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में डल झील है बताइए निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में डल झील है यह आप लोगों को बताना है चलिए आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा बिल्कुल डल झील की बात कर लेते हैं यह है एक फ्रेश वॉटर की लेक है जो कि जम्मू कश्मीर में है और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो कि बुलर लेक है यह है भी जम्मू कश्मीर में है ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट है कि भाई आपको बताना है कर्नल रवि राठौर ने देश के क्षेत्र में अर्जुन क्या हो जाएगा यहाँ पर यह है अर्जुन पुरस्कार इन्होंने 2018 में जीता था तो आपको ये बताना है कि यह है किस खेल से यहाँ पर संबंधित है अर्जुन अवार्ड की बात कर लेते हैं 1916 में इसकी शुरुआत की गई है और 15 लाख रुपए इसमें प्राइज मनी के तौर पर दिए जाते हैं जो कि खिलाड़ियों को उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है है चाहे वह वह नेशनल पे है कि इंटरनेशनल लेवल पर है और इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई यह है यहाँ पर पोलो से संबंधित है ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ पर इनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई यह है यहाँ पर पोलो खेल से यहाँ पर संबंधित है ठीक है याद रखिएगा इसके साथ ही आपको बताना है कि भारत में प्रेजेंट टाइम में कितने यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट अवार्ड जो की है यहाँ पर दिए जाते हैं मैं बोल ही नहीं रही थी इसलिए आप लोगों को वॉइस भी नहीं आ रही थी ठीक है आपको ये बताना है कि भारत में कितने नेशनल स्पोर्ट अवार्ड जो की है यहाँ पर दिए जाते हैं जो कि आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके आंसर बताना है मैं उस टाइम पर कुछ बोल ही नहीं रही थी ठीक है बाकी भाई अपनी जो क्लास है डेली क्लास का टाइम याद रखिएगा डेली जो कि क्लास का टाइम है यह है मॉर्निंग में सुबह ग्यारह बजे अपनी क्लास होती ही है ठीक है इसके साथ ही आप सभी जो एम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स सी एच एस एल में आप देख ही सकते हैं कि क्लास में पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे हैं और जो मैंने गाइडेंस दिया था कि करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से करके जाना है मैक्सिमम जीओ और जीके का पोर्शन जो की है वो आप लोगों का आना है और वैसे ही चीजें आपकी रही ठीक है तो पढ़ाई के साथ साथ में जो चीज़ें हम आपको गाइडेंस आपको देते हैं उनको भी फॉलो किया कीजिए एंड एम पी एस में सिलेक्शन के लिए कुछ ही दिन अपने पास बाकी है बीस पच्चीस दिन ही बाकी है तो कल शाम पांच बजे से अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है तो आप सभी कल शाम को 5 बजे यहाँ पर जुड़ जाइएगा मेरे साथ ठीक है कल शाम को आप सभी पांच बजे भाई क्लास से जुड़ जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे होमवर्क में करेंगे बाकी आज टेन फोर्टी टेन फिफ्टी भी अपना सेशन है उससे भी जुड़ जाना हाल ही में जिन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है उनके बारे में मैं कवर कराऊंगी इसके साथ ही आप सभी अपने बैच के बारे में यहाँ पर याद रखिएगा कि अभी किडमी एप्लीकेशन पर आप लोगों को 50% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है जिसके लिए आप लोग मेरे कोड का यूज कीजिएगा जो कि की है एस ओ टी वाई यानी कि सोनम त्यागी जिसमें कि आप लोगों को एस एग्जाम्स नॉन टेक्निकल एंड रेलवे एग्जाम्स के लिए आप लोगों को प्लस एंड आइकॉनिक पर मिल जाएगा साथ ही इसमें अगर बात कर लेते हैं तो आप 24 मंथ्स के लिए बैच को लेते हैं तो भाई चार हजार दो सौ पिछहत्तर में यह कोर्स आपको पड़ेगा यदि आप 12 मंथ के लिए कोर्स लेते हैं तो आपको तीन हजार आठ सौ में यह कोर्स यहाँ पर पड़ेगा छह महीने की बात कर लेते हैं तो तीन हजार पाँच सौ रुपए में आपको यह है जो कोर्स है यह है यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा जो कि दो अगस्त से आप लोगों का यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है इसके साथ ही आप एस एस सी के लिए भी बैच से यहाँ पर जुड़ सकते हैं सेम आप 6 महीने के लिए या फिर आप बारह महीने यानी कि एक साल के लिए या फिर ट्वेंटी फोर मंथ यानी कि चौबीस महीने के लिए कोर्स को यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें कि आपको प्री से लेकर के मेंस तक की तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी एंड एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन के लिए भी आप प्री और मेंस की तैयारी के लिए भी बैच को ले सकते हैं तीन अगस्त से इसमें आप लोगों की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो रही है ठीक है साथ ही भाई आप सभी जो कि हैं अन अकेडमी एप्लीकेशन पर आपको काफी सारे फ्री सेशन भी यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि स्पेशल सेशन की क्लासेस हैं जो कि टॉपिक वाइज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लासेस भी आप लोगों को मिल जाएंगी तो आप सभी अन अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पर अपने तैयारी के साथ में नोट्स और नोट्स और क्लासेस भी यहाँ पर ले सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है धर्मवीर आप टेन फिफ्टी पर क्लास में जुड़िएगा नहीं आज की रहेगी बिल्कुल रहेगी हम लोग जो हाल ही में जी आई टैग दिए गए हैं ना अभी सात प्रोडक्ट को ही मिलेंगे तो उनके बारे में मैं कराऊंगी आप लोगों को ठीक है तो सभी टाइमली क्लास से जुड़ जाइएगा साथ ही क्लास को सभी लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं अपनी क्लास में टाइम से तो सभी जुड़ जाइएगा सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत